अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और आपको आज मैं बता रही हूँ चुक्के की भाजी। चुक्के की भाजी के लिए चाहिए ऑयल 50 ग्राम, अनियन 200 ग्राम, हरी मिर्ची 4-5, हरा धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। हाफ के जी मटन है, 300 ग्राम टमाटर है, आधी ग्लास पानी है। ये चुक्के की भाजी है, मेरे पास इंडिया से आई, 30 कट्टे है ये। तो लोग घोट के भिजाए, इसमें हरी मिर्ची बहुत है तो मैं यहाँ मिर्ची थोड़ी कम डालूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो आप लोग क्या करना, ये घोटना करना नहीं है कि आप लोग खाली खुलफे के पत्ते तोड़ के डंडी के साथ हाथ से तोड़ना। आप लोग चुक्के के जो पत्ते जो कट्टा रहता ना वो उसको निकाल लेके चाकू से नहीं कटना, दो दो तीन तीन मोटा मोटा पीस करके वो डाल देने का रहता। मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे पास घुटी हुई है और मैं ये आपको जो बता रही हूँ ये रेसिपी देखिए आप, 6 जनों की है। कुकर गर्म हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम ऑयल। तेल अच्छा लगता भाजी में और गोश्त भी अच्छा लगे। आप लोग कम गोश्त डाले तो भाजी मज़े की नहीं होती चुके की। इसमें प्याज डाल दी मैं, लाइट ब्राउन ब्राउन करना ही नहीं है, सिर्फ लाइट लाइट करना है। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं इसमें, अब देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा है, आधा चाय का चमचा मिर्ची डाल रही हूँ मैं, इसलिए कि मिर्ची बहुत है भाजी में, इसलिए आप लोग अपने अंदाजे से डालिए। अब इसमें गोश्त डाल दूंगी मैं, और इसमें देखिए 3 किस्म का गोश है, गर्दन का गोश है, लेग पीस का गोश है, सीने का गोश है। चुक्के की भाजी में गोश अच्छा रहना और सीने का गोश याद रहना, 3 गोश की बनाए तो चुक्के की भाजी अच्छी बनती है। हल्दी 1/2 चाय का चमचा डाली हूँ, नमक, अब थोड़ा पहले अच्छा भुनना है, गोश्त की स्मेल निकलना है। अब इसमें 2 मिनट से हरा धनिया डालूंगी मैं। आप लोगों को रेसिपीज कैसे दिख रहे हैं बोलिए आप लोग। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, थोड़ा बाद में डालूंगी। और चुक्के की भाजी की बोटी देखिए बड़ी कटाई है, छोटे छोटे नहीं, अच्छे नहीं लगते। बिरयानी की बोटी से थोड़ी छोटी, मैं मीडियम टाइप ली। अब इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगी मैं, कि सीने का गोश इसमें ज्यादा है तो देर में गलता सीने का गोश। मैं इसको सीटी दूंगी, 5 सीटी दूंगी। कुकर लगा दे रही हूँ मैं, कुकर ऑन कर रही हूँ। देखिए गोश्त गल गया, अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी, क्योंकि पहले अच्छा भून ली थी मैं, अब टमाटर डालूंगी। ऐसे काटिए मैं जैसा काटी ना, स्लाट टाइप, टमाटे अच्छे गल जाते, पानी नहीं छूटता इसमें। और टमाटे जरा सॉफ्ट लेइए, कच्चे कच्चे मत लेइए। फिर मैं इसको कुकर लगा देके 2 सीटी दूंगी। मैं इस पतीला रखती, देखिए भाजी डाल दी, उसमें थोड़ा नमक डाल, थोड़ा
भाजी के साथ भुनेंगे यह दाल। ये देखिए टमाटर थोड़े गलना, थोड़े नहीं गलना अपना, मतलब भुनते वक्त पूरे भुने जाते हैं। और चुके की भाजी बहुत ही चलती, देख समझ के कम बत्ती पे रखे करें। आप देख रहे हैं कलर कितना प्यारा आया। भाजी ने इसमें सोया डालते, मैं सोया नहीं डाली। और भोजन ने इसमें चने की दाल भी उबाल के डालते, मैं ऐसी बनाती हूँ, दाल कुछ भी नहीं डालती। थोड़ा सा भुनना है भाजी, इसमें थोड़ा हरा धनिया डालूंगी मैं। देखिए इतना तेल डाले वैसे भी तेल नहीं दिख रहा, दम पे रखे बाद से आएगा। और ये एकदम सूखी रखना भाजी, खाली गोश्त पे लपटे जाना भाजी तो अच्छी दिखती, पानी पानी का मजा नहीं आना भाजी में। देखिए भाजी भुने गई, तेल आ रहा, तेल अच्छा डालिए आप लोग भी। और लूज नहीं रखना है भाजी में, टेस्ट नहीं आता, मैं इसलिए बार बार बोलते जा रही हूँ आप लोगों को। अब उसमें हरी, और ऐसा उछलती देखिए आवाज़ आ रही ना, तो इसमें हरी मिर्ची ये है, मैं दो ही डाल रही हूँ इसमें। आप लोगों को चार बताई थी मैं, मगर मैं उसमें नहीं डाली क्योंकि भाजी में ऑलरेडी मिर्ची बहुत थी इसलिए। और थोड़ा सा नमक डालूंगी, चुके की भाजी में नमक भी ज़्यादा लगता, मिर्ची भी ज़्यादा लगती, मगर ये भाजी में बहुत थी इसलिए कम दर। चुक्का बन के रेडी है, आप लोग भी बनाइए, खाइए, देखिए कैसा लगा। यहाँ तो हमको नहीं मिलता चुक्का, इसलिए इंडिया से आया ये। और आई आर सैयद कोई बोल कमेंट करे थे कि चुके की भाजी बताना, उनके फरमाइश में इत्तेफाक से मेरे पास आ गई तो इसलिए जल्दी बनाई। और बताइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और बहुत बहुत अच्छी रहती है भाजी, और एकदम ड्राई, थोड़ा तेल ज़्यादा डालिए, मिर्ची थोड़ी तेज़ रहना तो बहुत चावल से अच्छी लगेंगी, रोटी से भी अच्छी लगती। आप लोग खा के बोलिए कैसी बनी क्या है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।